अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से, और मॉर्निंग टाइम पे आज फ्रेश होने के बाद किया नाश्ता, पराठा और ऑमलेट। और काफ़ी देर बाद आज ये नाश्ता करने का दिल किया तो मैंने आज ही नाश्ता किया, और उसके बाद बन रही है चाय। तो चाय बस ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, मैं करती हूँ अपनी चाय को इन्जॉय। फ्रेंड्स, चाय मैंने पी ली है, और चाय पीने के बाद अब बारी आती है खाने की। तो खाने में मैंने आज भिंडी बनाई थी, और भिंडी के साथ मैंने बनाए थोड़े से आलू, और उसके लिए मैंने 2-3 मीडियम ऑनियंस को कट किया, जिंजर गार्लिक रेडी है उसको कट किया और चॉप कर लिया, 2 मीडियम साइज़ टमाटो और 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, और 3-4 पोटैटोज़ मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया था। और हम बनाने जा रहे हैं जी आलू की भुजिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा मीडियम हीट पे उसको गर्म होने देंगे, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे ऑनियंस जो हमने कट करके चॉप करके रखे थे। ऑनियन को आप जूलियन भी कट कर सकते हैं, और चॉप करना चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ऑनियन डालने के बाद करेंगे ऑनियन को फ्राई, और इनको करेंगे गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनका वेट करेंगे, और देन हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनियंस हो चुके हैं ब्राउन, और थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर लिया है मैंने इसको। और इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज भी ऐड कर दूँगी, और टमाटोज़ को इसमें फ्राई करूँगी कि वह थोड़े नरम हो जाएं। जी फ्रेंड्स, अब टाइम आया है कि हम इसमें ऐड कर दें स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और 1 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप ले सकते हैं, और 1/2 टीस्पून टर्मरिक मैंने इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं जिस तरह भी आपको पसंद है, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं, इसलिए रेड चिली ज़्यादा हम लोग लाइक नहीं करते, इस वजह से मैंने जस्ट 1 टीस्पून ली है। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला का ऐड किया है, 1 टीस्पून होल ज़ीरा एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे कि मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए, और टमाटर जो है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला अच्छी तरह रेडी हो चुका है, ऑयल निकल आया है, और टमाटर भी अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। इस स्टेप पे हमने इसमें ऐड करने हैं पोटैटोज़ जो हमने कट करके रखे थे बारीक बारीक, और पोटैटोज़ को मसाले में डालने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप वाटर, और वाटर आप इतना भी ऐड कर सकते हैं कि जिसमें आपके पोटैटो अच्छी तरह डिप हो जाएं। और अब इसको कवर करके रख देंगे और पकाएंगे, और साथ साथ इसको चेक करते रहेंगे कि मसाला नीचे ना लगे। यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और पोटैटोज़ जो हैं वो गल गए हैं, और ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब मेरे पास थोड़ा कोरिएंडर पड़ा हुआ था, उसको मैं फ्रेशली चॉप करूँगी,
और इसके ऊपर ऐड करूँगी। गाइस ये मैंने कोरिएंडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था और आप जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी डिश बनके बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।